क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, इसमें ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी, ओ इज सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्क्यूम सेंटर क्या होता है? सर्क्यूम सेंटर ट्राइंगल के जो ऑल थ्री वर्टेक्स है, कोई भी ट्राइंगल उसके ऑल थ्री वर्टेक्स से कोई सर्कल पास हो रहा है, मीन ये सर्क्यूम सर्कल होता है। ठीक है, कोई ट्राइंगल है उसके ऑल थ्री वर्टेक्स से कोई सर्कल पास हो रहा है तो वो होता है सर्क्यूम सर्कल। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है सर्क्यूम सेंटर, ओ इज सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, ट्राइंगल का सेंटर कौन सा हो? ट्राइंगल का सेंटर नहीं है, ट्राइंगल का सर्क्यूम सेंटर नहीं, ट्राइंगल के ऑल थ्री वर्टिसेस से जो सर्कल पास होता है वो होता है सर्क्यूम सर्कल और उस सर्कल का सेंटर होता है सर्क्यूम सेंटर। क्लियर? ये फर्स्ट गिवन। नाउ सेकंड पॉइंट टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है एंड प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, प्रूव कर रहे हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए। देखो ये प्रूव कर रहा है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए, BOD is equal to angle A. Third construction, क्या construction करें? BOD is equal to angle A. ये BOD जो है ये angle A के equal prove करना है। Okay, BOD construction ये तो बन ही गया, क्या करें? Join OC, join OC. इन सम बुक्स ऐसा भी होता है OBOD OC को join करता है, construction में हो जाता है, but prove करना है angle BOD is equal to angle A, so BOD आपको बनाना पड़ेगा। BOD is equal to prove करना है angle A, so OC को join कर दिया, ये construction step हो गया। Now fourth step, proof, proof. Because D is the midpoint of BC. Because D is the midpoint of BC. BC का midpoint है ना? ठीक है? D is the midpoint of BC. ठीक है? Then OD perpendicular होगा किस पर? BC पर. Because center से कोण पर perpendicular draw करें तो वो midpoint पर join करता है, और center से midpoint को join करें तो वो उस पर perpendicular होगा, है ना? इस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये 90 डिग्री हो गया। नाउ ये ए एंगल ए देखो आर्क कौन सा है? बीसी आर्क, सर्कल पर एंगल ए सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर फिर कौन सा सबटेंड करेगा? सेंटर पर ये बीओसी, ये सेंटर वाला डबल होगा अदर पार्ट ऑफ द सर्कल वाले का, बट आपको प्रूव करना है ये इज इक्वल टू, ये टू इक्वल प्रूव कर दो, ये एंगल ये वाले इक्वल प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करें? ये ट्राइंगल जो है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन ट्राइंगल ओ बी डी एंड ट्राइंगल ओ सी डी क्या है? ओडी इज इक्वल टू ओडी, क्या होगा? ये है कॉमन साइड। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वाई रेडियस ऑफ सर्कल। Clear? ये है रेडियस ऑफ सर्कल। एंड एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये परपेंडिकुलर है ना, ओ डी बी इज इक्वल टू ओ डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ओ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रेट है, देन ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, देन क्या होगा? एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। आपको जो प्रूव करना है उसमें कौन सा यूज करना है? बीओडी यूज करना है, बीओडी यूज करना है। ओके, नाउ कंप्लीट बीओसी से क्या रिलेशन होगा? बीओसी डबल होगा बीओडी का। ठीक है, बीओसी क्या होगा? This implies complete BOC is equal to double hoga BOD, 2 multiply angle BOD.
बिकॉज ये पार्ट्स इक्वल तो ये कंप्लीट बीओसी डबल होगा बिकॉज एंगल बीओसी इज इक्वल टू टू एंगल बीएसी. व्हाई? बिकॉज बीओसी बीसी आर्क सेंटर पर सबटेंड कर रहा है और बीसी सर्कल के अदर पार्ट पर बीएसी सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर वाला रिमेनिंग पार्ट वाले का डबल होता है. बीओसी डबल बीएससी, बीओसी डबल बीओडी. ये तो आपने क्या प्रूव किया है. और ये फ्रॉम थ्योरम, थ्योरम है ना, ऐसा थ्योरम में होता है कि सेंटर वाला अदर पार्ट वाले का डबल होगा. दिस इज बीओसी टू बीओडी. व्हाई? बिकॉज ये इक्वल है, तो बीओसी इसका भी डबल होगा और इसका भी डबल होगा. क्लियर? दिस एम्प्लाइज ये बीओसी के इक्वल और ये वाला भी बीओसी के इक्वल है. टू एंगल बीओडी इज इक्वल टू टू एंगल बीएसी. एंगल बीओडी टू टू कैंसिल आउट, एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी. बीएसी मीन एंगल ए, बीओसी कौन सा है, एंगल ए है. D is equal to angle A. Hence true. आपने B और D angle A की equal prove कर दिया. Now question number 4. Question number 4. बहुत ही अच्छा question है. Language में देखिए given क्या है. On common diagonal AB, two rectangle triangles ACB and ADB are drawn. एक कॉमन डायगोनल AB है, उस पर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ACB एंड ADB ड्रॉ किए गए. ACB एंड ADB, एंगल ACB. क्लियर? एंड एंगल ADB, ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए. क्वेश्चन यही है ना, AB. ना AB हाइपोटेन्यूस हो गया ना. अब क्या करें, नाउ प्रूव करना है आपको. इट इज BAC इज इक्वल टू BDC. आपको प्रूव करना है BAC इज इक्वल टू BDC. इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसके इक्वल प्रूव करना है आपको BDC. ये कैसे प्रूव करें, ये तो BC से बन रहे ना, BC BDC बना रहा है और BC BAC बना रहा है. देखो जो एंगल प्रूव करने बी ए सी एंड बी डी सी, ठीक है, बी सी बना रहा है, बी सी सबटेंड कर रहा है बी ए सी बी डी सी. अब ये किसी तरह से अगर सर्कल पर हो जाए ना, तो फिर ये बी सी उस सर्कल का आर्क होगा और सेम आर्क सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, देन बी ए सी बी डी सी इक्वल होगा. पर सर्कल कैसे, हम ए बी को एज ए डायमीटर, एक डायमीटर लेके अगर आप सर्कल ड्रॉ करो, एबी को अगर डायमीटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, देन इट विल पासेस थ्रू सी एंड डी. व्हाई? सी एंड डी से क्यों पास होगा? इफ एबी इज डायमीटर, एबी डायमीटर है, तो डायमीटर जो है वो 90 डिग्री सर्कल पर ही सबटेंड करता है. डायमीटर जो है वो सर्कल पर 90 डिग्री सबटेंड करता है, और ये 90 डिग्री है, इट मीन फिर ये पॉइंट सर्कल पर ही होगा. ए बी अगर डायमीटर और ये भी 90 डिग्री है, मीन ये वाला पॉइंट भी सर्कल पर होगा. इट मीन, ठीक है, अब इफ वी ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग ए बी एज डायमीटर, ABS डायामीटर, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें AB को डायामीटर लेकर, AB को डायामीटर लेकर, देन इट विल, इट मीन ये सर्कल, इट विल पास थ्रू, ये किससे पास हो गए, ये सर्कल से, थ्रू पॉइंट्स C एंड B. व्हाई? आपको कैसे पता, एबी को डायमीटर लेकर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये सी के अप एंड डाउन ऊपर से भी पास हो जाए, ये यहां मिड में से भी निकल सकता है. नहीं, इफ एबी इज डायमीटर, अगर एबी डायमीटर है तो डायमीटर के एंड्स, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर के एंड्स
सर्कल पर 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। डायमीटर के एंड सर्कल पर ज्वाइन करें तो वहां 90 होगा और डायमीटर के एंड 90 सर्कल पर ही बनाएंगे। डायमीटर के एंड 90 बना रहे हैं, इट मीन सी सर्कल पर सिचुएटेड होगा। डायमीटर के एंड ये ए बी हमने डायमीटर लिया है, इसको डायमीटर लेके बिल्कुल इसके मिड में है ना कंपास रख के ऐसे सर्कल ड्रॉ करें और ए बी ये 90 डिग्री, ये भी 90 है, इट मीन बी बी किस पर होगा, किस पर होगा, ये भी डायमीटर के एंड 90 बना रहे हैं, ठीक है, डायमीटर के एंड 90 सर्कल पर बनाते हैं, इट मीन बी बी सर्कल पर होगा। इट मीन अगर ए बी को डायमीटर लेके हम सर्कल ड्रॉ करें देन इट विल पास थ्रू पॉइंट सी एंड बी एंगल ऑफ सेमी सर्कल, बिकॉज क्यों पास हो गया यहां से, बिकॉज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री सर्कल पर ही बनते हैं, सो सी एंड डी सर्कल पर है। इट मीन ए बी सी डी और ये किस पर है फिर, सर्कल पर, ये सब किस पर है, सर्कल। तस एंगल सबटेंडेंट, एंगल सबटेंडेंट, सबटेंडेंट मीन क्या होता है, बनाना आंतरित करना, बाय आर्क बीसी, बाय आर्क बीसी, आर्क बीसी आपको जो प्रूव करना है वो देखो क्या है, जो आपको प्रूव करना है वो आपको प्रूव करना है बीएसी बीडीसी बीसी इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में आर्क बीसी जो एंगल सबटेंड करता है, एंगल सबटेंड बाय आर्क बीसी इन सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, क्या होंगे ये, विल बी इक्वल, ठीक है, देन तब कौन सा एंगल, आर्क बीसी सेम सेगमेंट में कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ए पर बीएसी सबटेंड कर रहा है एंड बी पर ये बीडीसी है, देन एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी बिकॉज बीसी आर्क, अब ये बीसी आर्क हो गया बिकॉज बी एंड सी सर्कल पर हो गया, सर्कल पर है देन बीसी आर्क होगा, अब आर्क है देन आर्क तो क्या करता है, सर्कल के सेम सेगमेंट में क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है, बीसी आर्क है ए एंड बी पर जो एंगल है वो इक्वल प्रूव करें और ए एंड बी सेम सेगमेंट में, ये बीसी सेगमेंट हो गया और रिमेनिंग ए सेगमेंट हो गया मेजर सेगमेंट, बीएसी इक्वल होगा बीडीसी के, हैंस प्रूव, ये तो आपको प्रूव करना है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में जो सर्कल स्केच करना है ना वो आपको थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करना होगा, सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, टू कोर्स है ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी थोड़ा नेम से क्लियर है, ए कॉमन है, क्लियर, ए बी 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ए कॉमन देन ए यहां पर है, ए कॉमन, ए बी 90 सबटेंड कर रही है, ये भी क्या कर रही है 90, ऐसे 90 बना दो, ऐसे 90, ये 90 हो गया, ये ए बी, ए बी कोर्ट जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ठीक ही बन है ना, एंड अदर कोर्ट है ए सी जो 150 सबटेंड कर रही है, ये 150 अबाउट अप्रोक्सीमेट इतना होगा ना, अप्रोक्सीमेट इतना होगा, ए सी एसी कोर्ट जो है वो सेंटर पर 150 सबटेंड कर रही है, ये 90 ये 150, ये क्यों, ए कॉमन है बिकॉज ए बी ए सी नेम से क्लियर, फिर ए तो आ गया दोनों में कॉमन, ए बी ए इतनी लेंथ क्यों जिससे ये सेंटर पर 90 शो कर सबटेंड करे और ए सी सेंटर पर 150 सबटेंड करे, थोड़ा 150 शो कर, ठीक है, ये ड्रॉ करके यहां, ठीक है, सी पॉइंट मार्क कर दो, फिक्स कर दो। Now, आपको एंगल फाइंड करना है बीएसी, बीएसी बीसी आर्क इस सेगमेंट पर बना रहा है, तो बीसी आर्क जो सेंटर पर बनाएगा ये बीओसी, बीओसी डबल होगा ऑफ बीएसी, जो सेंटर वाला डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले का, बिकॉज आर्क सेम है ना, बीओसी बीएसी, ये फाइंड कर लो, ये डबल होगा इसका, ये फाइंड कर सकते हैं ना, बिकॉज ये बिकॉज एंगल बी ओ सी कितना होगा, ये राउंड 360 है, 360 माइनस ये 90 ये 150, 90 प्लस 150 एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री,
ये क्या हो गया 240 माइनस कर, ये 120 हो गया. ना ये 120 बिकॉज एंगल बी ओ सी, बी सी आर्क सेंटर पर सप्रेंड कर रहा है, डबल होगा ऑफ एंगल बी ए सी बिकॉज बी सी आर्क रिमेनिंग पार्ट पर जो सप्रेंड कर रहा है उसका डबल होगा. बी ओ सी गिवन है 120, 120 इज इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी, 2 इधर शिफ्ट कर दो डिवाइड में हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 120 बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60. देखो ए बी ऐसे ए पॉइंट फिक्स कर दिया, ऐसे 90 बना दिया, ए बी हो गया. अब सी कहां पर, ठीक है ऐसे 120 शो करके, अब ये सी, ये ए बी सेंटर पर 90, ए सी सेंटर पर 150 सप्रिंट कर रही है, क्लियर. ना बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी देखो सर्कल में, तो सर्कल का आर्क कौन सा है बी ए सी का, बी सी, बी सी सर्कल पर तो सेंटर पर ये वाला, सेंटर वाला डबल होगा रिमेनिंग पार्ट का, इसमें से और इसमें से कौन सा फाइंड कर सकते हो, ये वाला बिकॉज राउंड 360 या 360 में से 90 150 माइनस कर दो, रिमेन बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल टू 2 बी ए सी, देन बी ए सी फाइंड कर लो, क्लियर. Now students, question number 6. O is the circumcenter of triangle ABC. Circumcenter कौन सा? Circumcircle का center. Circumcircle क्या होता है? कोई भी triangle है. उसके all three vertices से जो circle pass हो रहा है वो circumcircle होगा. और इसका center जो है ये होगा circumcenter. क्लियर? Now आपको prove करना है. Angle OBC. एंगल ओ बी सी ये वाला प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 90, ये क्या रिलेशन होगा. चलो हम ज्वाइन कर दें इसको, इसको ज्वाइन कर दिया. अब इसमें थ्री एंगल्स है, ये वाला इसका रिलेशन इससे है, बी ओ सी इज इक्वल टू 2 बी ए सी, है ना. बी ओ सी को रिप्लेस करके राइट कर सकते हो 2 बी ए सी. ना ये इन ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें थ्री एंगल है ना, कौन से, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये थ्री एंगल्स है, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, क्लियर. इनका सम जो है वो क्या होगा 180 डिग्री. ना आपको जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, ये नहीं, इसको चेंज करो बिकॉज OB इज इक्वल टू OC, बिकॉज OB इज इक्वल टू OC. दिस इंप्लाइज ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल, उनके ऑपोजिट एंगल, OB के ऑपोजिट कौन सा, ये वाला OCB, इसके OBC. दिस इंप्लाइज एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC. फर्स्ट तो OCB को रिप्लेस करके राइट कर दोगे OBC, बिकॉज आपको जो प्रूव करना है उसमें OBC है, OCB नहीं है, बोथ आर इक्वल बिकॉज इनके ऑपोजिट साइड से इक्वल. चलो ये तो हो गया, ये तो शिफ्ट हो गया. अब बीओसी का क्या करें, बिकॉज एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी, है ना. बी सी आर सेंटर पर जो सब्टेंड कर रहा है ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वाले का, ठीक है. नाउ इसको फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओबीसी आपको यूज करना है, ओसीबी को रिप्लेस करके ओबीसी राइट कर सकते हो, एंगल ओबीसी, बीओसी टू बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओबीसी ओबीसी टू ओबीसी, टू ओबीसी प्लस 2 बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन लेकर इधर शिफ्ट कर दो, एंगल ओबीसी प्लस एंगल बी ए सी, टू कॉमन मल्टीप्लाई में इधर आते डिवाइड में हो जाएगा, 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो आपको प्रूव कर रहा है. एंगल ओबीसी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो इनका सम 180, आपको जो प्रूव करना उसमें ये है ये नहीं, तो ओसीबी एंड ओबीसी इक्वल है, ओसीबी को रिप्लेस करके राइट कर दिया ओबीसी,
एंड आपको जो प्रूव करा उसमें ये नहीं ये है, बीओसी इज इक्वल टू टू बी ए सी, तो बीओसी को प्रेस करके राइट कर दिया टू बी ए सी, हैज प्रूव्ड।